वेरी खुशखबरी है, तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है वो कंप्यूटराइज्ड सेविंग मशीन। तो ये रही मशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो चलिए, साल का आगाज हो चुका है, पहली तारीख है, पहला दिन है साल का, और मेरे लिए भी बहुत प्यारी प्यारी खुशखबरी है, तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करना चाहती हूँ। तो वो खुशखबरी क्या है, जैसे कि सबसे पहला तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जो आप सबको नया साल मुबारक हो, और आने वाला हर दिन हर पल आपका खुशियों के साथ बीते, और आप खुश रहिए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और हम सब यूं ही प्यार मोहब्बत से आगे अपने वक्त बिताए। और रही बात इनकी, जो ये कुछ कहना चाहती है जो मैंने बीच में काट दिया था, तो वे बताएंगी आपको कि वो किस खुशी का इजहार करना चाहती है आपसे। तो चलिए बताइए आप। तो जैसे कि मैं बताना चाह रही थी, जो आपने काट दिया बात, तो मैं भूल चुकी हूँ कि अब मैं क्या बताना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि 2024 आ चुका है। अच्छा, मैं दूसरी बात करती हूँ, 2024 आ चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मतलब 2023 जो है माशाल्लाह से हमारा बहुत बहुत प्यारा गया, और अल्लाह हम सब का जो आगे के जितने भी साल आने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें उसमें सेहतमंद और अच्छी जिंदगी दे, खुशियां दे, खुशियों से हमारे घर को आबाद करे अल्लाह, हमारी हर दुआ पूरी करे, और दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं सबकी अल्लाह दुआएं कबूल करे, और सब पे से मुसीबतें हटा दे। बस हमारी ये दुआ है, हमेशा हम करते रहते हैं। और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो जो मुझमें खूबियां थी, जो जो मुझमें, मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खूबियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मतलब पहली खूबी तो मेरी कुकिंग की है, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी, और मुझे उस बहुत ज्यादा उसका शौक है, और मुझे बहुत पसंद है वो। आप लोगों को मुझे बताना है कि मेरी दूसरी खुशी क्या है। तो मुझे सेविंग मशीन की बहुत मतलब ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिविटी मेरे को दिखाना बहुत ज्यादा पसंद। दूसरा जो हॉबी है, इनको सिलाई करना पसंद है, तो इनका दूसरा शौक था सेविंग सिलाई का, तो हमने आज वो भी आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से वो भी पूरा किया। अब वो बताएंगे आपको आगे। तो मुझे इतनी प्यारी मशीन मिली है जिसमें मैं सोच भी नहीं सकती, इतने सारे फंक्शन है उसमें। मैं आप लोगों को उसको खोल के उसे बताऊंगी। हम आपको दिखाते हैं तो कि हमने इनके लिए लाया है कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सेविंग मशीन, तो कैसी है क्या है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, है ना? दिखाते हैं, चलिए। तो ये है वो कंप्यूटराइज्ड सेविंग मशीन जो हमने मंगाया था, और ये बहुत ही बेहतरीन है। हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको फाइनल किया, इसको मंगाया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ये ब्रदर कंपनी का है कंप्यूटराइज सेविंग मशीन, इसमें सारे काफ़ी फंक्शन है जो कि आप देख सकते हो, डिजिटल कंप्यूटराइज मशीन है, और मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो खोल के आप पिटाना, सबसे पहले मैं आपको इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, ये वो बॉबिन भरने के लिए, धागा वगैरह लगाने के लिए, हाँ, उसके टूल्स है सब, हम उसके, और ये कुछ पैडल है। हाँ। हाँ, तो इसमें दो फंक्शन दिए हुए, आप एक पुश स्टार्ट बटन से भी ऑटोमेटिकली मशीन चला सकते हो, और आपको बटन से नहीं चलाना है तो आप पैडल से भी चला सकते हो। हाँ। तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। और ये एक है इसका कवर, यस, जो आप मशीन बाद में यूज करने के बाद ढक के रख सकते हो। हाँ। और अब निकलेगी मशीन। डन टडन, यस, मेरी मशीन। तो ये रही मशीन, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। चलिए इसको अच्छे से खोल देते हैं, सारे टेप के निकाल देते हैं अच्छे से। तो
ये अभी इसे संभाल के रखना पड़ेगा ना उसको जो थर्माकोल है ना उसको फिलहाल बॉक्स कर देंगे अच्छे से। और ये रही वो मशीन बहुत प्यारी मशीन है बहुत। और जब मैंने इसके फंक्शन देखी ना इतनी मैं खुश हो गई हूँ ना। जल्द से जल्द चाह रही हूँ कि आप लोगों को इसका डेमो दूँ और इस पे मैं स्टिच करके दिखाऊँ। इसका एक हम लोग अलग से डेमो वीडियो बनाएंगे कि इस पे कैसे स्टिच किया जा सकता है, इसके फंक्शन कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। बस मैं आपको पहले इसको ऑन करके दिखा देता हूँ फिलहाल। अभी ये रहा उसका कॉर्ड और इसको हम करेंगे थोड़ा सा ढीला वायर को। देखो यहाँ बटन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे इसको लगा लेना है। ये इसको लगा लिया, अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये लगा लिया मैंने प्लग और इसको करूँगा ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो और ये पावर बटन इसका यहाँ पे दिखाओ, जो कि पावर बटन इसका यहीं पे बटन दिया है। तो इसको करेंगे हम ऑन। तो आप देख सकते हो ये मशीन हो गई ऑन। ये अभी इसमें सारे फंक्शन दिए, इसमें यहाँ पे सब निकाल के हम इसको पूरा इसका डेमो वीडियो एक अलग से बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सारे नंबर के आगे सारे थ्रेड का डिजाइन दिया गया, आपको जो 100 स्टिचिंग दिया गया, 100 प्लस स्टिचिंग है। और ये जितनी भी डिजाइन है आपको दिख रही है ना, सारी स्टिचिंग ये इस डिजाइन के हिसाब से आएगी। आपको एम्ब्रॉयडरी भी इसमें है, नेम वेम भी आप लिख सकते हो। और ये देखिए नेम के लिए यहाँ दिया हुआ है नंबर्स। और इसमें यहाँ से कुछ ऑन का बटन है, इसको दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। अभी मैं ऑन नहीं कर सकता क्योंकि ये सब पैकिंग निकालनी है हमको। हाँ वो करने के बाद फिर सीधा ये बटन दबाओगे तो इससे ऑन हो जाएगा। और ऑटोमेटिक हमारे जो बॉबिन है वो भी हमारा भर जाएगा। और हम धागा लगाने का सब मैं आप लोगों को बाद में इसका आराम से बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे इसका एक अगला डेमो वीडियो। यस एक डेमो वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें आपको सारा इसका फीचर कैसे यूज करना है, क्या क्या करना है, कैसे क्या सुई धागा जो भी लगाना है वो आपको बताएगी। यस है ना। ओके तो ये ब्रदर का कंप्यूटराइज सेविंग मशीन, ऑटोमेटिक सेविंग मशीन। और इसमें क्या क्या फंक्शन है आप बताइए ना। इसमें 100+ बिल्ट इन स्टिचिंग है, 55 कैरेक्टर स्टिचिंग है, क्विक थ्रेड बॉबिन है, बिल्ट इन नीडल थ्रेडर है, एलईडी लाइटिंग है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी देखिए लाइट है। हाँ तो आपने देखा कि जो मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन है। इसमें इतने फंक्शन है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर इसका एक डेमो वीडियो है जो नसरीन बनाएगी और आप लोग के साथ शेयर करेंगे हम लोग कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, किस तरह से उसमें नीडल लगाना है, किस तरह से उसमें थ्रेड लगाना है और सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिक तरीका है। आपको कोई इसमें कुछ मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब एक आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बना के दे देंगे सारा डेमो इंशाल्लाह। और उसमें कुछ स्टिच भी करके बताएंगे कि किस तरह स्टिच कर सकते हैं, जितने डिजाइन जो मतलब स्टिच से डाल के एग्जांपल आपको डेमो दे देंगे हम लोग। हां तो उसमें से कुछ मतलब मैं सिलाई उसमें डाल दूंगी आप लोगों को, क्योंकि 100 स्टिचेस है ना उसके अंदर। हर चीज को डाल सकते हैं, तो जितना हो सके हम वो डाल देंगे। कुछ नेम लिखने का भी है उसमें, तो नेम लिखा। और एक चीज है कि अगर आपको कोई आपका कोई बिजनेस हो, कोई फर्म हो, आप कोई जैसे कि आजकल लोग बैग पे, कपड़े पे, टी शर्ट्स पे, कैप पे, हर चीज पे जो नेम प्रिंटिंग करते हैं, नेम प्रिंटिंग नहीं स्टिच करके आप जो लिख सकते हो वो इस पे आप मैनुअली ऑटोमेटिक लिख सकते हो। खाली आपको नंबर डाल के उसमें स्टिच करना है, तो वो भी सारे इसमें फंक्शन है कुछ, वो आपको वीडियो में सब बता देंगे। बटन लगाने का भी इसमें फंक्शन है और फिर इसमें बिडिंग और क्या काफी सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब 100+ इसमें ऑप्शन दिए हुए। इसमें ऑटोमेटिक नीडल्स भी ऑटोमेटिक वो लग जाता है। तो सारा आपको हम डेमो वीडियो बना के दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग जो कि हमारा अनबॉक्सिंग सेविंग मशीन का था। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, आपको हमारी मशीन कैसी लगी वो ज़रूर बताना। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हम सबका नया साल और यही प्यार के साथ हम आगे जिंदगी बिताए।
और आपका साथ यूं ही मेरे साथ में बना रहे है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग मुझे यूं ही प्यार करते रहिए। तो चलिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआ में हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।